नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाटर प्रूफिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वाटर प्रूफिंग का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कैसे आप अपनी दीवारों को एकदम बिल्कुल लो कॉस्ट में वाटर प्रूफ कर सकते हो, जो कि 3 से 4 साल बड़ी आसानी से चल जाएँ। उसके बाद आप जब भी वापस रीपेंटिंग कराएं उस समय आप वापस वाटर प्रूफिंग करा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दीवार के अंदर दीवारों की हालत क्या हो रही है, और ये बाहरी दीवारें हैं फ्रंट की इस घर की, और इस घर जो ये मकान है ये आज से 3 से 4 साल पहले ही बन के तैयार हुआ था, और 3-4 साल में इस घर की स्थिति ये हो गई है। और जो बाहर की जो दीवारें हैं इनको पुट्टी करके और पेंट किया हुआ है, और जो इसका इंटीरियर है उसमें सिर्फ पुट्टी करके छोड़ा था। तो बाहर और अंदर और चारों तरफ इस घर के इस तरह की सीलन आ गई है। तो इस सीलन को कैसे अपन क्योर करेंगे वो भी आज इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो के अंदर आप बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या स्टेप आपको लेने हैं। ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो इतनी सारी ये चीज़ पुट्टी यहाँ से निकल गई है, और जो एक्स्ट्रा थी वो हमने हाथ से निकाल ली है, तो बड़ी आसानी से निकल रही थी। और ये देखिए दीवार की हालत ऐसी हो जाती है दोस्तों। तो जब भी आप मकान बना रहे हों तो वाटर प्रूफिंग ज़रूर से करवाएं। अगर आपके दीवार के आसपास बाथरूम है या कुछ भी है तो आप बिल्कुल वाटर प्रूफिंग कराइए, और कैसे करना है उसके ढेर सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। तो उस तरह से, और आप जो भी आपके मिस्त्री हो, कारीगर हो, जो भी करते हैं उनको आप ये बताइए कि कैसे करनी है। ये देखिए हमने दीवार को पहले साफ़ कर लिया था, उसके बाद हम ले रहे हैं डॉक्टर फिक्सिट का URP, जिसका कोड है 301301। ये वाला आपको लेना है, और ये एक एक लीटर 200 ml, आधा लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर सारी साइज में आपको मिल जाएगा। हमने 1 लीटर का पैक लिया है ये, जिसकी 430 रुपये MRP है, और 400 रुपये के अंदर आपको मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएगा ये। उसके बाद जो दीवार होती है दोस्तों उनको अच्छे से साफ़ कर देना है आपको, एकदम अच्छे से सफाई कर ली हमने, जो भी एक्स्ट्रा पुट्टियाँ निकलना चाह रही थी उसको निकाल दिया है। उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के तरीके से 2 बार हम डॉक्टर फिक्सिट का ये URP लगाएंगे, और इसमें आपको कोई पानी नहीं मिलाना है, ठीक है। हमने बिना पानी के लगा रहे हैं हम, ये देखिए। और जो पुट्टी होगी उसके भी आप 4 इंच 5 इंच 6 इंच उसके ऊपर लगाइए इसको, जो एक्स्ट्रा पुट्टी होती है आपकी उसके ऊपर भी लगाना है, क्योंकि वहाँ पर ही पुट्टी जाएगी अपनी जब लगाएंगे तब। इसलिए आप वीडियो के अंदर देखते जाइए हम कैसे कैसे लगा रहे हैं, इस तरह से लगाना है, ठीक है। अभी जैसे देखिए आप, हम बाएं से दाएं लगा रहे हैं, तो आपको ऐसे लगाना है, फिर ये सूख जाए उसके बाद आपको ऊपर से नीचे लगाना है, ठीक है। ये देखिए हमने इतनी सारी पुट्टी के ऊपर भी लगाया है, क्योंकि वहाँ पर भी पुट्टी आएगी जब हम अप्लाई करेंगे तो। और जो दीवारों की हालत है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और इसके अंदर जैसे हाथ लगाते हैं सीमेंट, उंगली लगाने से सीमेंट निकल रही है, तो आप समझ सकते हो इन दीवारों की हालत क्या हुई होगी। तो इसको वाटर प्रूफिंग की बहुत सख्त ज़्यादा ज़रूरत थी, और जैसे हमारा पहला कोट सूखा उसके बाद हमने ये दूसरा कोट अप्लाई किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटे का टाइम दीजिए, आधे घंटे में ये सूख जाता है। सूखने के बाद आप सेकेंड कोट करिए, बड़ी आसानी से आपका काम ये हो जाएगा। ये देखिए हम सेकंड कोट कर रहे हैं, और इसके अंदर कोई पानी नहीं मिलाना है खास तौर, ये याद रखिए आप, डायरेक्ट जो आपका केमिकल होता है वही अप्लाई करना है आपको बिना पानी के। और हम जो दोस्तों चीज़ यूज़ कर रहे हैं पुट्टी, वो है JK की शील्ड मैक्स, जो कि 100% वाटर प्रूफ पुट्टी है, और बहुत सारी कंपनियों में आपको ये वाटर प्रूफ पुट्टी मिल जाएगी। JK का कोई ऐसा नहीं है जो आपके आसानी से उपलब्ध हो पर वाटर प्रूफ हो, वो जैसे आपके एशियन हो गई, बर्जर हो गई, बिरला हो गई, JK हो गई, सारी कंपनियों में आपको वाटर प्रूफ पुट्टी मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने ये बैग 1650 रुपये में लिया था, तो ये 1650 रुपये का बैग है, और जो नॉर्मल पुट्टी आती है वो 600-700 रुपये में आपको बड़ी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो आपको वाटर प्रूफ पुट्टी ही लेनी है, ताकि जो दीवार है आपकी वहाँ पर आप वाटर प्रूफिंग करो तो वो लॉन्ग टाइम चले, ठीक है। तो यह पुट्टी हमने ले ली, अच्छे से पेंटर ने मिक्स कर दिया, और ये वही मकान है दोस्तों जिसका वीडियो मैंने पिछला वीडियो मैंने डाला था, उसके अंदर मैंने जो कलर बनवाए थे वो इंटीरियर में हमने लगवा दिए हैं, और इस वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कलर, और लास्ट में इस घर का जो फ्रंट का जो ये तैयार होने के बाद फ्रंट कैसा दिख रहा है वो फ़ोटो भी लगाया है मैंने, तो आप लास्ट तक देखिए, वो फ़ोटो भी आपको दिखने मिलेगा। और इस घर में मैंने जो भी कलर यूज़ किए हैं उनके कोड भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो सारे कोड प्रोवाइड करूँगा कमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमने पहला कोड पुट्टी का लगा दिया है, ये चालू कर दिया है, और हम इस पे दोस्तों टोटल 4 कोट पुट्टी लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो प्लास्टर था अंदर से रेत वाला वो भी इसका निकल गया है, तो इस पे 4 कोट पुट्टी लगाएंगे तो ये परफेक्ट यूज़ होगा। और जो हमने डॉक्टर फुक्सिट URP लगाया था, ये देखिए उसकी इस तरह से थैली बन जाती है,
तो ये क्या करता है, पानी को आपकी पुट्टी तक और प्राइमर तक पेंट तक पहुंचने ही नहीं देता। ये देखिए मैंने पहले बताया था आपको, वही दीवार ये है, अब हाथ लगा रहा हूँ कोई सीमेंट नहीं निकल रही है। तो ये क्या हो गया, पकड़ कर ली उसने केमिकल ने, ठीक है, इसकी एक परत बन गई है, थैली नुमा जो होता है वो बना दिया इसने। अब इसके ऊपर हम पुट्टी कर देंगे, और पुट्टी आपके ऊपर है वो कितने करते हो आप, कितने के हो सकता है, दो कोट में आपकी पुट्टी परफेक्ट आ जाए, तीन में आ जाए, लेकिन हमने हमारी तीन में नहीं आई, तो हमने चार कोट पुट्टी के टोटल लगाए, वो फर्स्ट हमने लगवा दिया, और ये सेकंड कोट है जो कि मैं लगा रहा हूँ। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को 15 दिन लगे हैं, हमने हर चीज़ को टाइम दे के लिया है, जैसे ये फर्स्ट कोट पुट्टी और सेकंड कोट पुट्टी में हमने 24 घंटों का टाइम दिया है, फर्स्ट कोट को सूखने के 24 घंटे दिए, उसके बाद हम सेकंड कोट लगा रहे हैं, और उसको भी वापस कम से कम हम 18 घंटे देंगे, उसके बाद तीसरा कोट लगाएंगे हम, जो सेकंड कोट लग रहा है इसको भी सूखने का प्रॉपर टाइम देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम था एक्चुअली में, ठीक है। तो आपके पास भी अगर टाइम है तो आप आराम से करोगे तो आपका काम होगा वो अच्छा होगा। तो हमने टोटल चार कोट लगाए हैं, मैं आपको दो कोट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, उसके बाद सीधा प्राइमर दिखाऊंगा, ठीक है। और जगह जगह इस घर में ये इस तरह की स्थिति थी, तो पूरे घर में हमने पैच वर्क किया, ये हर जगह पुट्टी लगाई, हर जगह पहले केमिकल लगाया, फिर पुट्टी लगा के प्राइमर करके फिर हम पेंट करेंगे उसके ऊपर। तो ये आपका 3-4 साल आराम से चल जाएगा, और आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है डॉक्टर फिक्सिटी आपको यूज़ करना है, बर्जर का कर सकते हो, एशियन का कर सकते हो, हर कंपनी में आता है आपको इस तरह के केमिकल। तो आप कोई भी अच्छी सी, जैसे एशियन की बात करें तो आप इसकी जगह डैम प्रूफ यूज़ कर सकते हो, डैम प्रूफ भी वही काम करता है जो ये कर रहा है। तो आपको जो मार्केट में इजी अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हो, पर लगाने का मेथड यही रहेगा उसका भी। इस तरह से सेकंड कोट पुट्टी कर देंगे, उसके बाद इसको हम 180 और 220 नंबर से इसके अच्छे से घिसाई करके इसके लेवल ले आएंगे, लेवल लाने के बाद हम प्राइमर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए पहले 180 नंबर से हमने हल्की घिसाई कर ली, उसके बाद 220 नंबर से स्मूथ घिसाई करके इसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे, उसके बाद हम दो कोट प्राइमर करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एक कोट फर्स्ट कोट को सूखने के लिए आपको 4 घंटे देने हैं प्राइमर को, भले ही प्राइमर अगर आपका 5 मिनट या 10 मिनट में सूख जाए, फिर भी उसको अच्छे से सूखने के लिए आपको 3 से 4 घंटे देने ही चाहिए, ठीक है। तो हम इसके ऊपर दो कोट करेंगे प्राइमर के, बहुत से लोग होते हैं जो एक कोट करके छोड़ देते हैं, पर आप दो कोट करिए, उससे क्या है आपकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बनी रहेगी, और ऐसे मामलों में आपको किसी भी चीज़ को हल्के में लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो खर्चा कर रहे हो वो खर्चा आपका दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये हमने घिसाई कर ली इसके ऊपर, उसके बाद फर्स्ट कोट जो होगा हमारा वो प्राइमर का होगा, और हमने कलर के ऊपर और सब जगह का प्राइमर लगा दिया एक्सटीरियर में, ताकि क्या होगा, हम जो पेंट करने वाले हैं वो आराम से उसके ऊपर टिक जाए, क्या होता है नीचे का कलर वापस दिखे नहीं, और दो कोट पेंट में हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो इसके इसलिए हम सारी जगह इस पर प्राइमर कर देंगे, जो पुराना ओल्ड कलर था उसके ऊपर भी हम वाइट प्राइमर कर देंगे, क्योंकि जो अब एक्सटीरियर का जो भी कलर होगा वो सब चेंज होगा, जैसे ये ऑरेंज और ये कलर हैं ये अब नहीं लगने वाले, दूसरे कलर आएंगे इसके ऊपर। और ये देखिए ये सेकंड कोट हो गया हमारा, सेकंड कोट होते ही दोस्तों जो क्लिप आ रही है आपके सामने, इसमें डायरेक्ट मैंने पुट्टी की प्राइमर और डायरेक्ट पेंट आ गया है, उसके बाद जो डिज़ाइन थी पास में इसके ऊपर एक डार्क कलर आ रहा है, ये सारे कोड बर्जर के कोड हैं, और अंदर जो है वो नेरोलैक के कोड हैं। तो आपको कलर के कोड भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना तो मैं वहाँ पर आपको कोड भी दे दूँगा। ये देखिए हमने पूरा घर ये करवा दिया है, थोड़ा कुछ जो फ्रंट का काम बाकी था उसके लिए मैंने एक फ़ोटो लगाई लास्ट में, कैसे कैसे कलर हमने यूज़ किए हैं, और ये जो कलर दिख रहे हैं दोस्तों ये पूरे HD शाइन कलर हैं, शायद कैमरे के अंदर आपको ना दिखें पर ये फुल शाइन वाले कलर हैं, और इस तरह के जो गार्डन होते हैं उन्हीं गार्डन से ये सारी सीलन आती है घर में, इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। ये देखिए यहाँ पर स्टेंसिल का यूज़ किया है, और इसके नीचे अब आपको दिख भी नहीं रही होगी कि यहाँ पर हमने कुछ कारीगरी की है, वाटर प्रूफिंग की है। ये देखिए मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के अंदर बताया था, इस सब जगहों पे वो किया हुआ है, और कहीं कहीं अगर आपको गड्ढा दिखता है तो एक्चुअली में जो शाइन वाला पेंट होता है वो थोड़ी बहुत जो हमारी कमी रह जाती है वो दिखाई देता है, और जो यहीं पे अगर मैट पेंट होता तो वो चीज़ नहीं दिखाई देती, ठीक है। ये देखिए हमारा काम कंप्लीट हो गया,
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।